बकाए पैसा को मांगना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। मामला झरिया के शिव मंदिर रोड का है। यहां पर एक दुकानदार अपने बकाए पैसे मांगने के लिए ग्राहक के घर पहुंचा। इसी दौरान दुकानदार ने तलवार से हमला करने की कोशिश की। दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि पास के ही रहने वाले श्रवण केसरी उनके दुकान से उधार में सामान ले जाया करता था। पैसा मांगने पर वो अक्सर टाल मटोल करता था। इस बीच वो फिर से दुकान में उधारी राशन लेने पहुंचा। उधारी नहीं देने पर श्रवण केसरी और उसके बेटे मारपीट पर उतारू हो गए। इस बीच उसके बेटे ने तलवार लेकर दुकानदार को दौड़ाया। बाद में किसी तरह से दुकानदार ने अपनी जान बचाई। नहीं देने के कारण और पैसा मांगने पर माने कि हम पर समझे कि गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मान ली कि दुकान रोड पर आ करके हमको मारने के लिए दौड़ा। सही है मान ली कि वो है समझिए कि दबंग किस्म का आदमी नहीं है। ये तुम्हारा मकान तो है नहीं जो हमारे दरवाजे पर हमेशा शीशा रखते हो। किसी को भी लग जाएगा, आने जाने वाले को गड़ जाएगा। 2 साल का बच्चा को, हमारा 2 साल का पोता है, नीचे उतरता है, आता है, खेलता है। आई मना करने से मानता नहीं है और ऊपर से कल इसकी जनाना और इसका सनी गुप्ता का माँ और सुरेंद्र गुप्ता उसका बाप सब निकल गया और सारा गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हमारे साथ में किया, जिससे हम गिर गए। मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ा अपने बचाव के लिए। तो बस यही बात है। आरोप है कि आप पैसा सब बकाया था। कोई पैसा बकाया नहीं है इसका।